सर्वान अभिवाद्यामि। दादरा एवं नगर हवेली के समाहर्ता महोदय जी का शुभागमन हो चुका है। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं और उनसे नम्र अनुरोध करता हूं कि अपने कर्तव्य करें। समाहर्ता महोदय जी, दादरा नगर हवेली के 67वें मुक्ति दिवस के शुभ अवसर पर आज के इस समारोह में उपस्थित दादरा एवं नगर हवेली के माननीय सांसद श्री मोहन भाई डेलकर जी, जिला पंचायत के प्रेसिडेंट श्री रमन काकवा जी, सिलवासा म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट श्री राकेश सिंह चौहान जी, जिला पुलिस अधीक्षक श्री शरद राठे जी, पूर्व सांसदगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, सिलवासा म्युनिसिपैलिटी के सदस्यगण, अधिकारीगण, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, मीडियाकर्मी, सिलवासा एवं दादरा नगर हवेली के अग्रणी नागरिकगण, फ्रीडम फाइटर्स, आप सभी को 67वें दादरा नगर हवेली के मुक्ति दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 66 वर्ष पूर्व दादरा एवं नगर हवेली के सिलवासा शहर की आजादी के साथ इस प्रदेश में पुर्तगाली सत्ता का अंत हो गया था। सैनल लुइस डी गामा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर फ्री दादरा नगर हवेली की स्थापना की थी। यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो हमें यह देखने को मिलेगा कि जहां भारत देश की आजादी 1947 में प्राप्त हुई थी, वहीं यह प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली 1954 में अपनी आजादी प्राप्त कर पाया था। दादरा एवं नगर हवेली की आजादी में आजाद गोमंतक दल, कम्युनिस्ट पार्टी एवं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस की अहम भूमिका रही है। 22 जुलाई 1954 को यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस के 15 वॉलंटियर्स ने दादरा में लवासा की तरफ से प्रवेश कर फ्रांसिस मास्कारनस और वामन देसाई के नेतृत्व में दादरा पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया। उन्होंने भारत के तिरंगे को फहराकर फ्री टेरिटरी ऑफ दादरा की स्थापना की। इसके बाद 28 जुलाई 1954 की रात को आजाद गोमंतक दल के 30 से 35 वॉलंटियर्स ने कर्मवेली की तरफ से नरोली टाउन में प्रवेश किया और नरोली पुलिस टाउन पर कब्जा जमाया। इस तरह से नरोली में पुर्तगाली शासन का अंत हुआ। इसी बीच पुर्तगाली शासन ने भ्रम की स्थिति को भांपते हुए स्वतंत्रता सेनानियों ने 1 अगस्त को पिपरिया आउटपोस्ट पर कब्जा किया और रात में ही सिलवासा पुलिस चौकी को अपने अधीन कर लिया। 2 अगस्त 1954 की सुबह को स्वतंत्रता सेनानियों ने सिलवासा पहुंचकर पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ा और इस तरह दादरा एवं नगर हवेली को आजादी मिली और तभी से प्रतिवर्ष 2 अगस्त को यहां मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 से 1961 तक इस प्रदेश को फ्री दादरा और नगर हवेली के नाम से जाना जाता था और यहाँ की प्रशासनिक गतिविधियां वरिष्ठ पंचायत के द्वारा चलाई जाती थी। 1961 में केजी बदलानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को एक दिन के लिए दादरा और नगर हवेली का प्रधानमंत्री बनाया गया, जिससे कि एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते वो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर इसे औपचारिक तौर पर भारतीय संघ का हिस्सा बना सके। 11 अगस्त 1961 से यह प्रदेश भारतीय संघ का एक हिस्सा रहा है और 26 जनवरी 2020 से यह प्रदेश यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का एक भाग बन गया है।
आजादी के बाद तीव्र गति से इस प्रदेश का विकास प्रारंभ हुआ। मुख्यतः यहाँ लोगों की कृषि एवं छोटे मोटे कुटीर उद्योगों पर निर्भरता थी, परंतु 1970 के दशक में औद्योगिकरण के क्षेत्र में एक पिछड़ा प्रदेश घोषित कर औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी मुहैया कराई गई, जिससे कि यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो और आज के दिन यह प्रदेश पूरे देश में एक इंडस्ट्रियल हब की तरह उभर कर सामने आया है, जहाँ टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, केबल इत्यादि का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। आज के दिन इस कोरोना महामारी के वक्त भी इस प्रदेश से उत्पादित हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पूरे विश्व में पहुंचा है और सैनिटाइजर, पीपीई किट, N95 मास्क का भी उत्पादन हुआ, जिससे देश में इसकी कमी को पूरा किया जा सका है। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, जिसका लाभ इस प्रदेश की जनता को मिल रहा है। एक बदलते हुए दादरा एवं नगर हवेली की तस्वीर आपके सामने है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हाईवेज का नवीनीकरण किया जा रहा है, साथ ही साथ सिलवासा शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन होने के बाद कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुके हैं, जैसे पंचायत मार्केट का रीडेवलपमेंट, कोर एरिया का सौंदर्यीकरण, 24/7 पानी की घर घर तक पहुँचाने की व्यवस्था, व्यापक पैमाने पर सीवरेज की व्यवस्था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स, इलेक्ट्रिक बस सेवा इत्यादि शामिल है। चंद दिनों में इन प्रोजेक्ट्स का काम शुरू होगा, जिससे इस शहर को एक नागरिक की जरूरतों के अनुकूल सुविधाओं को पहुंचाया जाएगा। दादरा एवं नगर हवेली एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां पर समाज के उत्थान के दृष्टिकोण से प्रशासन का यह कर्तव्य है कि मेडिकल एवं शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करे और जो व्यक्ति आधुनिक विकास के लाभ से वंचित है, उसे एक समान अवसर प्राप्त कराया जा सके। इसके लिए प्रशासन ने पूरे दादरा एवं नगर हवेली विस्तार में 52 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नवीनीकरण एवं स्टाफ के पोस्टिंग को सुनिश्चित किया है। पूरे प्रदेश में जन आरोग्य योजना के तहत लोगों को लाभ मिला और यह प्रयास किया गया कि कोई भी स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए प्रदेश के बाहर ना जाए। प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट इत्यादि का शुरू होना यह दर्शाता है कि प्रशासन स्वास्थ्य एवं इससे जुड़े बुनियादी ढांचे को लेकर कटिबद्ध है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों के नवीनीकरण एवं विनिर्माण का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। प्रदेश में बच्चों के लिए नियमित एवं पौष्टिक आहार मिल सके, इसके लिए अक्षय पात्र किचन की स्थापना हुई और इसके सहयोग से आज भी जब स्कूल बंद है तब बच्चों को घर पर टेक होम राशन दिया जा रहा है। सिलवासा के टोकर खाड़ा एवं झंडा चौक पर एजुकेशन हब की स्थापना की जा रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा क्षमता वाले हॉस्टलों का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, जिसका लाभ हमारे दूर दराज से आने वाले बच्चे उठा सकेंगे। स्मार्ट क्लासेस जैसे आधुनिक शिक्षण पद्धति का लाभ बच्चों को मिल सके, इसका भी प्रयास प्रशासन ने किया है। चहुमुखी विकास के मद्देनजर प्रशासन ने सामाजिक क्षेत्र के उत्थान के लिए भी कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक प्रयास है नंद घरों का नवीनीकरण, जिसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, MPLADS इत्यादि के सहयोग से सभी 303 आंगनबाड़ियों को लिया गया है। परंतु यही हमारी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होती है, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग ने टेक होम राशन और आंगनबाड़ियों में पौष्टिक आहार का नया मेनू तैयार कर 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खाने का प्रबंध किया है, जिससे कि हमारे प्रदेश में कुपोषण जैसी समस्याओं का निराकरण हो सके। स्वाभिमान स्कीम के तहत सगर्भा एवं धात्री महिलाओं को तो लाभ मिला ही है, परंतु साथ ही साथ यदि हमें कुपोषण का अंत करना है तो एक जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है, जहाँ हम जन प्रतिनिधियों के माध्यम से हर एक परिवार को जोड़ सके और उन्हें पौष्टिक आहार के सेवन के बारे में बताएं। प्रशासन के द्वारा स्थापित वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड लाइन, स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी इत्यादि का फायदा हमारे बच्चों एवं महिलाओं को मिला है। एक निश्चित आय किसी भी परिवार के निर्वहन के लिए अति आवश्यक है और यदि यही आय हमारे प्रदेश के लोगों को मुख्यतः ग्रामीण आदिवासी विस्तार में वहीं पर मुहैया हो तो इसके लिए लोगों को किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं रहना होगा। इसके लिए प्रशासन ने कृषि तथा उससे जुड़े हुए मुद्दों पर भी बल दिया है। गाय स्कीम के तहत पशुपालन के लिए नियमित रूप से लोग जुड़ रहे हैं। मशरूम फार्मिंग की शुरुआत की गई है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्षमता का विकास किया जा रहा है और मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। कृषि को बढ़ावा देने के लिए MIDH और SMAM के तहत लोगों को सब्सिडी भी दी जा रही है। हमारा यह प्रयास रहा है कि जो कोई भी आदिवासी भाई बहन लोन लेकर अपना बिजनेस इत्यादि स्थापित करना चाहता है, उन्हें प्रशासन की तरफ से बिना किसी विलंब के शीघ्र लोन एवं ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई गई है, जिसमें RCT खानवेल की भूमिका अहम रही है। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को स्वावलंबित बनाना है और यह भी समझना है कि किस तरह लोग अपनी जमीन का सही तरीके से सदुपयोग एवं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता है थोड़ी मेहनत और जागरूकता की। आज मैं इस मंच से यह भी बताना चाहूंगा कि समय समय पर प्रशासन को जनप्रतिनिधियों का शहरी एवं ग्रामीण विस्तार में पूरा समर्थन मिलता रहा है। समाज के विकास को लेकर चाहे कोई भी पहलू हो, जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर सामने आए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि जनता को सरकार के प्रयासों का लाभ मिले और हर तरह की समस्या का बातचीत से हल निकाला गया है। इसका एक उदाहरण है कि आज के दिन चल रहे इस कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष में भी दिखने को मिला है, जहां जनप्रतिनिधि एवं दादरा नगर हवेली की जनता ने बढ़ चढ़कर अपना हाथ बटाया और इनके सहयोग से प्रशासन को इस महामारी से निपटने में सफलता मिली है। मार्च के महीने में जब संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन की घोषणा हुई, उस समय प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी लोगों को जरूर सामग्री पहुंचाना। वहां पर हमें दादरा एवं नगर हवेली के उद्योग जगत तथा अक्षय पात्र जैसे NGOs का काफी सहयोग मिला और एक समय पर प्रतिदिन 16,000 के करीब लोगों को कुक मील दिया जाता था। उस वक्त सिलवासा एवं अन्य ग्रामीण विस्तार में जनता ने कानून की व्यवस्था का पालन किया, वह भी एक बहुत ही सराहनीय रहा है। और जिससे कि अनलॉक 1.0 तक प्रदेश में न के बराबर कोरोना पॉजिटिव केस थे, यहाँ की जनता ने हाइजीन, डिसिप्लिन एवं मास्क पहनने को प्राथमिकता से लिया। प्रशासन की तरफ से भी यह प्रयास किया गया कि लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े और हमारे कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिस बल, जिन्होंने 12-12 घंटे के लगातार ड्यूटी बिना किसी विश्राम के की, हमारे हेल्थ के डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, मेडिकल वर्कर्स, जिन्होंने कि पिछले कई महीनों से कोई छुट्टी ना ली है, हमारे सफाई कर्मचारी, इस माहौल में जहां लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, हमारे शहर एवं गांवों को साफ रखने के लिए जिम्मा अपने कंधों पर लिया है, हमारे स्काउट्स एवं NSS के वॉलंटियर्स, जिन्होंने उस समय अपनी जिम्मेदारियों को समझकर आगे आए, और हमारे सरकारी कर्मचारी जो कि उस अनिश्चितता की परिस्थिति में भी सामने आए और बिना किसी डर एवं भय के अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। ये पूरा श्रेय उनको भी जाता है कि हम कठिनाइयों के बावजूद अपने प्रदेश को काफी हद तक इस कोरोना महामारी से दूर रख पाए हैं और हमारे उद्योग धंधे प्रभावित ना हो और ना ही इसका सामना किसी डेली वेजर को करना पड़े, इसका भी प्रबंध प्रशासन ने किया है। आज जब अनलॉक 1.0, 2.0 के बाद 3.0 आ गया है, तब भी प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम किस हद तक अपनी आर्थिक गतिविधियां को भी चलते रहने दें और इसका कोई विपरीत असर दादरा एवं नगर हवेली की जनता पर भी ना पड़े। प्रशासन का प्रयास, जनप्रतिनिधियों का सहयोग और दादरा एवं नगर हवेली की जनता का डिसिप्लिन यह दर्शाता है कि आज हमारे प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु दर नील के करीब है। यह प्रशासन का दायित्व और कर्तव्य है कि हम अपने हर एक नागरिक की रक्षा करें। इसके लिए ये जरूरी है कि हम नियमों का पालन सख्ती से करें। दादरा एवं नगर हवेली में एंट्री पास सिस्टम, क्वारंटाइन सिस्टम तथा कंटेनमेंट जोन्स का डिमार्केशन, ये कुछ तरीके हैं जिससे कि कोरोना वायरस के अनकंट्रोल्ड फैलाव को रोका जा सकता है। और इसके लिए मैं दादरा नगर हवेली की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने प्रशासन का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, जिससे कि हमारे प्रदेश में कोरोना वायरस का प्रभाव नियंत्रित है। हमारी यह भी नीति रही है कि यदि कहीं कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो हम तुरंत उसे आइसोलेट करें और हाई रिस्क केसेस को क्वारंटाइन कर इस बीमारी को आगे फैलने से रोके। इसके लिए हमने व्यापक पैमाने पर हॉस्पिटल, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण विस्तार में टेस्टिंग किया है।
आइए हम सब मिलकर बने, हम सुरक्षित रहे, अपने अपने घर पे रहे और इस विकट समय में अपने आप को और